लोगों को तो शराबों की जरूरत पड़ी, हम तो फिर दूध की मांग रहे हैं। लोग तो शराब सोचते हैं शराब ठिक्का खुले। इसको हराना है, हराना है और हराना ही है। हाँ जी, अब बताइए आप कितना समर्थन इस मुहिम को दे रहे हैं और क्या कहेंगे? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा जनता कर्फ्यू लगाइए, सब घरों में रहिए, आज आप सब घरों में हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहेंगे इस मुहिम? हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, पूरा समर्थक दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। हम बंद रखे हैं, सिर्फ ये दूध वाली दुकान खुली है, इधर देखिए दूध लेने आए हैं उस यहाँ पे, बाकी पूरा बंद है यहाँ। हम पूरे समर्थक है उनकी तरफ से, पूरा समर्थन है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसी तरीके से कोरोना से हम लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे जी, अगर आगे भी बंद करेंगे तो आगे भी बंद हम रखेंगे। जितने दिन तक बंद करना चाहेंगे हम करेंगे, हम लड़ेंगे कोरोना से, हम लड़ेंगे बिल्कुल। जितने दिन तक मार्केट बंद करेंगे हम करेंगे, हम मार्केट के आदमी है। मतलब नुकसान भी सहना पड़े तब भी हम खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। जितना मर्जी नुकसान हो हम खड़े रहेंगे, हम सहन करेंगे, नुकसान सहन करेंगे, लेकिन कोरोना को एक बार निकाल के छोड़ेंगे यहाँ देश से। मतलब जो और देशों में हुआ वो भारत में कतई नहीं होना चाहिए। जितना हमारा नुकसान होगा हम सहन करेंगे, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू देश है चाहे वो मुस्लिम देश है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से दुनिया में बीमारी फैल रही है, लोगों में वायरस फैल रहा है और लगातार लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, भारत में भी तमाम ऐसे केस आ चुके हैं, क्या कहेंगे? क्या ये तरीका सबसे बढ़िया है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की इस मुहिम की? शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपस में सहयोग बना के रखेंगे तभी है ये इस मुकाम को हासिल किया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बाकी और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि लोग अलग अलग खड़े हैं, मतलब मैं यहाँ पर बात भी कर रहा हूँ तो लोग सिंगल सिंगल खड़े होकर मुझसे बातचीत कर रहे हैं, झुंड में नहीं है। बाबू जी है वो इतनी दूर खड़े हुए हैं, ये इतनी दूर हैं, वो देखिए आप एक एक साथ झुंड में कोई नहीं है, अलग अलग नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से देखते हैं और क्या लोगों को कहेंगे, क्या वाकई इसी तरीके से घरों में बंद रहें और सरकार का साथ दें और कोरोना को भगाएं? जो कहते हैं वही करना पड़ेगा, जो कहते हैं प्रधान जी कहते हैं करना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री कहता है सबके सहयोग से होगा, सबके सहयोग से होगा। हाँ क्यों सर, इक्का दुक्का आदमी से काम नहीं चलेगा, सबको सहयोग बनाकर चलना पड़ेगा, सबको। इसमें कोई ये ना सोचे कि मैं किस जातिवाद का कोई ध्यान ना रखते हुए, तो सबके लिए एक जैसा है, इसको तो सब मिल के और अलग अलग हो के आपस में विचारों का मिलन करके इसको हराना होगा, रहे अलग अलग विचार एक रखें कि इसे हराना है बिल्कुल, वाकई हराना है। भाई साहब है उनसे बातचीत करते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या हम हरा पाएंगे कोरोना? जरूर हरा पाएंगे, क्यों नहीं हरा पाएंगे, ये तो हमारा फर्ज है। ये वाकई छोटे छोटे बच्चों में भी जागरूकता है। इधर कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। हम एक साथ चलेंगे, सबके साथ चलेंगे, जब तक बंद रहेंगे। अच्छा, व्यापार बिल्कुल बंद कर देंगे, अपना काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, चाहे एक महीना लग जाए हमें, हम बिल्कुल व्यापार बंद कर देंगे अपना, सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। व्यापार भी बंद करना पड़ जाए तो उसके लिए भी तैयार है। अम्मा दूध लेने आई हैं, अम्मा दूध की जरूरत पड़ गई आ जाए। लोगों को तो शराबों की जरूरत पड़ी, हम तो फिर दूध की मांग रहे हैं, लोग तो शराब सोचते हैं शराब ठिक्का खुले। ये बात तो सही है। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे हम तो मोदी जी के साथ हैं, और दूध की तो जरूरत है ही है, जब खाने पीने की चीज तो खाई भी जाएगी, घर कहाँ बैठा जाएगा, किससे बैठा जाएगा, आप बैठ जाएंगे बताए। तो क्या कहेंगे, पूरी तरह से तैयार देश है और क्या जो चैन बन रही है जो कोरोना की वायरस की, उसे तोड़ देंगे? बिल्कुल टूटेगी 101% शो है। आज ही फर्क पड़ जाएगा, आज ही, कल ही देख लेना सारी मार्केट खुली हुई होगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब हम कहेंगे पूरी मोदी के साथ हैं, हम उसका समर्थन है, हम दूध की दुकान थोड़ी अभी खोल ली है, दूध गांव से लाया जाके खुद, दूध वाला हमारा कोई नहीं आया, इसलिए हमने दुकान अभी खोल ली, थोड़े सामान की जरूरत है उन्हें दिया हमने दूध, अभी एक दो घंटा और खोल देंगे, फिर दुकान बढ़ा देंगे, फिर 3 घंटे खोल कर फिर ये दुकान अपनी बढ़ा देंगे। साफ तौर पर समर्थन मिल रहा है, लोग लगातार बा रहे हैं, भाई साहब बा रहे हैं। आप क्या कहेंगे बाबू जी, किस तरीके से मार भगाओगे इस कोरोना को? गुरु का सिमरन करो, परमात्मा का नाम लो, हर टाइम वाणी में रहो, उस मालिक की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हाँ। हाथ मिलाने बंद कर दिए कि नहीं करे? सब बंद कर दिए जी, हाथ अब हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। हाँ, मतलब पुरानी संस्कृति पर भारत लौट आया? हाँ जी, बिल्कुल लौट आया जी, लौट आया। क्यों सर, मजबूरी बन गई क्या ये? देखो जी, कहते हैं जान बची सो लाखों पाए, ठीक है कि नहीं? अगर मान के बुद्धू घर को आए? नहीं, लौट के बुद्धू भी घर को आए, और दूसरी बात ये है कि अगर जान ही ना रही
तो ये जो इतना कुछ पब्लिक कर रही है, कुछ अपनों के लिए, कुछ रिश्तेदारों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, तो उसका उससे फिर उसको क्या लाभ होगा? सारी जीवन में अगर जीवन के आदमी 40 साल काम कर रहा है या 50 साल काम कर रहा है, और अगर उसको 50 दिन के लिए अपने परिवार को, अपने देश को बचाने के लिए 50 दिन पूरे जीवन में देने भी पड़े, तो क्या हर्ज है? सब तैयार हैं इसके लिए, कोई पीछे नहीं हटेगा। इसको हराना है और हराना ही है। हराना है ना ही? हाँ जी, क्यों नहीं हराना है? हराना तो जरूर है, भगाना भी है। भगाना भी है, हराएंगे भी, भगाएंगे भी, पूरी तरह से तैयार है। कहा जाता है भारत लापरवाही करेगा, मिलता जुलता है कि हम देख लेंगे कोरोना को, इस तरह की लोग बात कर रहे हैं। क्या अब उससे हमने सीख ले ली है, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ना हाथ मिलाएंगे, लोगों से दूर रहेंगे? ना हाथ नहीं मिलाएंगे बिल्कुल भी, नमस्कार करेंगे बस। नमस्कार। हाँ जी, वाकई अब नमस्कार ही हथियार है असली, जो कोरोना को भारत से भगाने के लिए तैयार है। और लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है, लगातार दुकानें बंद है। अब लोग ये तक कह रहे हैं कि एक महीना भी अगर बंद करना पड़ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, देश के साथ हैं और इस मुहिम के साथ हैं। जनता कर्फ्यू में हम लगातार आपको चप्पे चप्पे की अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार क्या देश सोच रहा है, क्या आखिरकार हो रहा है। आप अपनी राय जरूर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।